मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। बहुत बार ओपीडी में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैडम हम नेचुरली कंसीव होते हैं और आईवीएफ से कंसीव होते हैं, तो ये दो प्रेगनेंसीज में क्या डिफरेंस होता है? तो आज हम जानेंगे इस बारे में। जब हम नेचुरली कंसीव होते हैं तो स्पर्म्स अपने वजाइना में गिर जाते हैं, उसके बाद स्पर्म्स तैरते हुए ऊपर चले जाते हैं, अपनी फैलोपियन ट्यूब में अंडा आता है और स्पर्म और एग का मिलन अपने फैलोपियन ट्यूब में होता है। पांचवें दिन में धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से जो गर्भ रहता है वो नीचे उतरता है और अपनी यूट्रस की, गर्भाशय की जो अंदर की परत रहती है, एंडोमेट्रियम रहती है, उस पे इम्प्लांट हो जाता है। तो ऐसा होता है कंसेप्शन नेचुरली, और ये सारा फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। जब हम आईवीएफ से कंसीव होने की बात करते हैं तो यही कंसेप्शन प्रोसेस जो रहता है वो बाहर होता है, यानी कि हम अंडे, बहुत सारे अंडे बनाते हैं, वो अंडे बाहर निकाल के लेते हैं, हम स्पर्म्स को बाहर से लेते हैं, हम बाहर गर्भ तैयार करते हैं, उसके बाद वो गर्भ हम बाहर थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी कि लैब में वो रखा जाता है, जिसे वो 5 डेज का बन जाता है। जब वो 5 दिन का बनता है, इसको हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज पे हम ये एम्ब्रियो हम फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, और इस कंसेप्शन में फैलोपियन ट्यूब का रोल बिल्कुल नहीं होता, यानी कि उसका रोल 0 रहता है। फैलोपियन ट्यूब नहीं रहने के बावजूद भी ये एम्ब्रियो बन जाता है। नेचुरली कंसीव होने के लिए फैलोपियन ट्यूब का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया है वो सारे प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जो करने वाले हैं वो हम बाहर करते हैं और ये हम गर्भाशय में वापस छोड़ देते हैं। तो ये मेन डिफरेंस जो कंसेप्शन प्रोसेस में होता है, यही मेन डिफरेंस रहता है आईवीएफ प्रेगनेंसी में और नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी। दूसरी बात है, नेचुरली कंसीव करने के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, हमें दवाइयों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंटरनल बॉडी वो एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है। जो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो अंदर ही तैयार होते हैं और अंदर बेबी इम्प्लांट होके बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद हम बाहर की दवाइयाँ, हार्मोन से उसको सपोर्ट देते हैं ताकि वो इम्प्लांट हो जाए। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जब प्लेसेंटा अच्छी तरह से हार्मोन बनाना शुरू करता है, तब ये जो एक्सटर्नल हार्मोन्स रहते हैं उसका सपोर्ट हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इसका मतलब है नेचुरल कंसीव करने के लिए हमें ज़्यादा इंजेक्शन की दवाइयों की जरूरत नहीं होती, और आईवीएफ से हम जब कंसीव होते हैं तो हमें एक्सटर्नल हार्मोन्स का सपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन कंसीव होने के बाद जो बेबी की डेवलपमेंट रहती है, बेबी के ऑर्गन्स तैयार होते हैं, वो दोनों केसेस में, यानी नेचुरली भी और आईवीएफ से कंसीव करने वाले बेबी में भी इक्वल होती है, फिर वो दोनों प्रेगनेंसीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों प्रेगनेंसी का एक ही लक्ष्य रहता है कि हमें हेल्दी स्वस्थ बेबी होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया नेचुरल कंसेप्शन और आईवीएफ कंसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए, और हमारी ये गायनेक इनफर्टिलिटी आईवीएफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।